राजस्थान में अलवर के कपास की विदेशों में मांग होने के कारण इस बार कपास के भाव में तेजी देखने को मिली है और यहां के किसानों को इसमें काफी फायदा हुआ है। अलवर में इस साल पिछले साल की तुलना में कपास की बुआई ज्यादा की गई है। अलवर के कपास की डिमांड अमेरिका, चाइना और US सहित कई देशों में होने के कारण भाव में तेजी आई है और इसी तेजी के चलते किसानों ने फायदा लेने के लिए कपास को बेचने से रोका हुआ है। अलवर कृषि उपज मंडी समिति के क्षेत्रीय उपनिदेशक का कहना है कि अलवर खंड में पिछले साल की तुलना में इस साल कपास अधिक बोई गई है। पिछले साल 1,23,500 क्विंटल पैदावार थी, जहां इस साल 51,000 क्विंटल बढ़कर 1,77,000 क्विंटल पैदावार हुई है और भाव भी अच्छे हैं। उनका कहना है कि अलवर की मंडी में इन दिनों 8,000 से लेकर 8,400 रुपए प्रति क्विंटल कपास बिक रही है और विदेशों में भी इस कपास की मांग है और एक्सपोर्ट की जा रही है। हल्की क्वालिटी की कपास इंडियन मिल में चली जाती है और अच्छी कपास बाहर भेजी जा रही है। कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष का कहना है कि विगत साल की तुलना में इस साल पैदावार अधिक है और भाव भी अच्छे हैं। पिछले साल इसके 6,000 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव थे, जो इस साल बढ़कर 8,000 से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच चुके हैं। दरअसल विदेशों में इस साल कपास की डिमांड काफी अच्छी है और यह फसल धीरे धीरे बाजार में आ रही है और आवक भी बढ़ती जा रही है। उधर केडलगंज व्यापार संचालन समिति के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि कपास यहां पर खुली बोली के माध्यम से बिक रही है। बाहर के व्यापारी खरीदने आ रहे हैं और अमेरिका, US, चाइना में इसकी डिमांड बढ़ी है, इसीलिए अलवर की कपास भी एक्सपोर्ट हो रही है। इस समय मंडी में 2,000 पॉट प्रतिदिन खरीदे जा रहे हैं, जिसके भाव 9,000 रुपए तक जा चुके हैं। इस साल 1,000 रुपए की तेजी कपास में देखी गई है। किसानों ने भी अपना माल रोका हुआ है और उनको उम्मीद है कि आगे भी भाव में तेजी आएगी, क्योंकि विदेश में कपास एक्सपोर्ट होने के कारण डिमांड में फिलहाल उछाल देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।